सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सबसे पहले। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल गोस्वामी टिप सेंटर पर। आज आपको हम बताएंगे होंडा एक्टिवा के ब्रेक स्विच के बारे में। ब्रेक स्विच चेंज करना है, इसका ब्रेक स्विच कैसे चेंज किया जाता है। इसमें ये तीन जो पेच हैं, पहले इनको ओपन करेंगे। ये पेच तीन ओपन हो चुके हैं। ये इसकी रबड़ है, इस ढक्कन को निकालेंगे। ये ढक्कन निकल चुका है। ये इसका लॉक है, ब्रेक लगाने पर जो लॉक हो जाता है। ये स्प्रिंग है इस लॉक की। ये स्प्रिंग और ये रबड़ है। इस केबल को निकालेंगे बाहर। ये इसका ब्रेक स्विच है, ब्रेक स्विच आ चुका है बाहर। ये ब्रेक स्विच खराब हो चुका है, इसको नया डालेंगे। ये न्यू ब्रेक स्विच है, इसको नया डालकर दिखाएंगे कैसे पड़ता है ये ब्रेक स्विच। ये ब्रेक स्विच डल चुका है, देख रहे होंगे आप। ये ब्रेक स्विच लग चुका है नया। अब ये जो हमने सारा सामान निकाला था वैसे ही लगा देंगे। ये केबल लगाएंगे पहले। लीवर को लगाएंगे। ये लॉक है जो ब्रेक लगाने पर इसको दबाकर ये लॉक हो जाती है ब्रेक। ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग को ऐसे लगाएंगे, इस लॉक और स्प्रिंग को लगा देंगे। ये लॉक इसलिए होता है, जिस ब्रेक लगा करके लॉक लगाएंगे तो हमारे दोनों पहिए जाम हो जाएंगे। ये इसलिए पहिए जाम करने के लिए होता है ये लॉक। स्प्रिंग को फंसाएंगे।
ये लॉक करके दिखाएंगे कैसे लॉक होता है ये ब्रेक। पहले ब्रेक को दबाएंगे और लॉक को ऊपर कर देंगे तो ये ब्रेक अब लॉक हो गई। अब इसको दबाएंगे तो ये लॉक हट जाएगा। अब स्प्रिंग को लगाएंगे। ये जो केबल में जो लीवर है, ये दो केबल लग रही है, इसकी स्प्रिंग है ये। सारा सामान लग चुका है। अब इस प्लेट को लगा देंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।